यो गाइस कैसे आप सब लोग। मैं हूं गोगुई आईटी और स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट के अंदर आप हम लोग एक मॉड का एक और एडोन का शोकेस करने वाले हैं और जो कि है नारुतो WG एडोन। तो आपको तो पता ही होगा नारुतो कितना ओपी एनिमे है गाइस। तो इस एनिमे का हम लोग एक और एनिमे का शोकेस करने जा रहे हैं। सो मुझे लगता है इस एड ऑन से थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें हैं मेरे को। आई थिंक सो ये थोड़ा सा अच्छा एड ऑन मिलेगा हम लोगों को, है ना। खैर वो तो अभी ट्राई करने के बाद ही पता चलते चल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने सारे के सारे वो सामान निकाल चुके हैं सास्के के जो भी वो होते हैं आइज वगैरह डोजुत्सु वगैरह। तो ये मांगे क्यों शरिंगन। देखो गाइस कितनी खतरनाक लग रही है गाइस एकदम ही गाइस। मतलब भाई मांगे क्यों शरिंगन गाइस कितनी खतरनाक लग रही है देखने में, आप देख ही सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ हमें तीन और चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है सुसानो। और गाइस सुसानो देखो गाइस क्या ही मस्त लग रहा है गाइस सुसानो। मतलब आई थिंक सो इससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाती है ना सुसानो से, है ना। मेरे को तो ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि उसका वो जो ऊपर का वो जो फेस सा बना होता है और जो ऊपर का जो भी होता है वो भी होता है, तो वो नहीं है अभी। और फिलहाल के लिए हम आपको अब दिखाते हैं इसका गेंजुत्सु। और अब देखिए इसका गेंजुत्सु मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अरे यार यूज़ हो जा और रुचि मारू से क्या सीखूँगा। हाँ ये देखो गाइस, ये देखो फिर से यूज़ करके। अब मैं गाइस अमातेरासु यूज़, अबे यार अमातेरासु नहीं लगा यार, दो सेकेंड गाइस ये थोड़ा सा रिचार्ज हो रहा है अमातेरासु, है ना। फिर मैं आपको अमातेरासु लगा के दिखाता हूँ कितना कूल लगता है गाइस, है ना। अमातेरासु भी बहुत कूल लगता है। ये देखिए गाइस, देखो उसके नीचे कुछ ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है ना, और फिर उससे उसको डैमेज हो रहा है। ओरोचिमारु, है ना। तो ये देखो, और ये जेनजुत्सु। तो ये दोनों ही एबिलिटीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, है ना। फिलहाल के लिए तो ये चारों एबिलिटीज़ अभी के लिए तो मेरी फेवरेट बन चुकी है। और ख़ासकर मांगे की शरिंगन और ये अमातेरासु और गेंजुत्सु और अमातेरासु, है ना। सुसानो भी मेरा फेवरेट है, बट उसके अंदर उन्होंने उसकी पूरी बॉडी नहीं डाली, केवल उसकी हड्डी हड्डी डाल दी भाई। खैर वो सब छोड़ो, अब हम लोग बाकी आइटम्स को यूज़ करके दिखाते हैं आपको। तो ये सारी की सारी पेन की एबिलिटीज़। और इसमें देखो ओह माय गॉड गाइस, अपने वो साउंड इफेक्ट सुना, लिटरली गाइस मेरा फेवरेट साउंड इफेक्ट है इस गेम में। अब देखो गाइस ये है चिबाकुतेन से है ना। तो ये देखो सबसे पहले इतना बड़ा पत्थर सा बनता है, आई थिंक से मदारा की एबिलिटी है, और फिर ये नीचे गिरता गाइस। ये मदारा की एबिलिटी है, हाँ गाइस ये मदारा की एबिलिटी है। सो गाइस अब हम लोग यूज़ करने वाले त्रिगामासी। देखो गाइस ये देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा ओपी एबिलिटी लगी मेरे को, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है गाइस, मैं लिटरली मूव नहीं कर सकता, मैं लिटरली कहीं भी नहीं जा सकता, इवन मैं स्नीक बटन भी नहीं दबा सकता। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नया वर्ल्ड में ला के। ओके सो गाइस त्रिगा मास तो इतना अच्छा नहीं है, बट आपके लिए एक और ये आपको एक कुछ बता रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, ये कॉम्बैट है शायद से, ट्विन लायंस। हाँ ये ट्विन लायंस है ना, इसका 9+ अटैक डैमेज है भाई, ओपी हो गया, भाई ओपी हो गया, है ना। सो गाइस सब समझ ही सकते हो कितना ओपी है। और अब हम आपको दिखाएंगे ये ओरोचिमारु का कुछ ड्रैगन या फिर सांप है, ये वही है मगर इसका नाम नहीं याद आ रहा है एक तो मेरे को, प्लस इसका कलर भी थोड़ा सा बदला हुआ है, बट हाँ ओपी तो लग रहा है भाई, ओपी तो लग रहा है ना। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कर्समार्क, है ना। तो ये येल्लो सा यही है कर्समार्क। और देखो गाइस कर्समार्क भी कितना ओपी लग रहा है, ये भी सास्के की एबिलिटी है एक, है ना। तो इसके अंदर ये कर्समार्क का हाईएस्ट फॉर्म है, मतलब इसका एक लोअर फॉर्म भी होता है, वो हम आपको दिखाते हैं चलो फटाफट से वो भी।
सो गाइस ये है कर्स मार्क का लोअर वर्जन, और उसके अंदर केवल हमारी कुछ कुछ बॉडी और हमारी आंख पे ही इफेक्ट पड़ता है इस कर्स मार्क का, है ना। और उसके अंदर तो आपने देख ही लिया था कि हमारी पूरी बॉडी कर्स मार्क में इन्फेक्टेड हो जाती है ना। तो ये इसलिए थोड़ा सा लोअर वर्जन है, वो वाला था थोड़ा सा हायर वर्जन। अब आपको दिखाते हैं हम कुछ जो डोजुत्सु एबिलिटीज है ना। तो सबसे पहले हमारे पास ब्याकुगन है ना, और आपको तो पता ही है ब्याकुगन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं और उसकी क्या क्या एबिलिटी होती है। घटिया सोच, समझ जाओ मैं कौन सी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए अब हम यूज करके दिखाते हैं आपको गोल्डन ब्याकुगन, उसके बाद है जोगन है ना, एंड आफ्टर दैट देर इज सो मैनी एबिलिटीज। तो ये है तेंसेई गन है ना, ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। वन टोमो शारिंगन, टू टोमो शारिंगन, थ्री टोमो शारिंगन, रीने शारिंगन, एंड एट लास्ट मांगेक्यू शारिंगन। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलती है एट लास्ट रीनेगन है ना। एंड आफ्टर दैट हम लोग को ये देखने को मिलता है, इसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, और इसके अंदर हम लोग ओरोचिमारू का इंक्लूडेड मिल जाता है ना, बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह है ना। मतलब इसमें से हमें ऐसे लेना नहीं पड़ता है, इसका इस फॉर्म में हमें ऑलरेडी मिल जाता है ये है ना। बाय द वे इसको अगर हमें सर्वाइवल में ये सब एबिलिटीज़ करनी है तो उसके लिए हम बताते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ गाइस में। उसके लिए आपको अपनी टीपी बढ़ानी होती है, मतलब आपको अपनी टीपी एटलीस्ट करनी होती है 200 या 300 तक। और ये मैं कहाँ घुस गया भाई, हाँ 200 या 300 तक अपनी टीपी करके किसी भी उसके पास जाना है जहाँ पर वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है ना, जिससे आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर उस पर जाके आपको कोई भी एबिलिटी मिलेगी, और उसके बाद बाकी दूसरी एबिलिटी के लिए वो जितनी टीपी मांगता है उतनी टीपी आपको कलेक्ट करके आनी है। तो टीपी लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको ये पिद्दी पिद्दी से निंजास दिख रहे हैं ना, मेरे पीछे भी खड़ा है, इनको मारना होगा है ना। फिलहाल के लिए अभी के लिए ये वाली एबिलिटी हमारी दिख चुकी है, अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एबिलिटी के ऊपर। तो ये हमारी नारुतो की एबिलिटीज, तो सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है कुरामा वन टेल, आफ्टर दैट कुरामा टू टेल्स है ना, एंड आफ्टर दैट कुरामा थ्री टेल्स है ना, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दैट एट लास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है कुरामा सेज मोड फ्रॉक्स ताइजुत्सु है ना। और इससे मैं आपको एक बार किसी को भी मार के दिखाता हूँ निंजा विंजा को, आप देखना कैसे अटैक लगते हैं। मतलब एक बार में इससे ना 150 मुक्के लगते हैं बंदे को है ना। सो गाइस हम लोगों ने नारुतो की यूनिफॉर्म पहन लिया और हम लोग रेडी हैं किसी से भी फाइट करने के लिए। अब देखना गाइस मैं इसको कुछ शॉट में ही मार दूंगा इस निंजा को, और देखो गाइस एक्चुअली मेरे को काकाशी नहीं लगता, कोई निंजा नहीं लगता। और इसको देखो भाई, आवाज़ सुनो, आप आवाज़ सुनो कितने सारे अटैक लग रहे हैं इसको, कितने सारे मुक्के लग रहे हैं। मेरे हाथ को ही देख के आपको पता चल रहा होगा, मतलब गाइस इसको मैं गंदा वाला पीट रहा हूँ हाशीरामा को, मगर अगर एक बार मैं सर्वाइवल में आ गया ना तो हाशीरामा मेरे को ऐसा पीटेगा क्या ही बताऊँ। खैर वो सब छोड़ो, आपको अब सेज मोड की एबिलिटी तो पता चली गई होगी, सेज मोड की एबिलिटी है ये फ्रॉक्स ताइजुत्सु है ना। मतलब इसके अंदर हमें ताइजुत्सु मिल जाता है, इसमें भी देखो कितना उड़ा उड़ा के मार रहा हूँ बंदे को, देखो भाई। और थोड़ा सा खाली स्पेस में जाके मैं आपको किसी को मार के दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी, ये देखो ये रहा खाली स्पेस में है ये हाशीरामा, और देखो गाइस देखो कहाँ पहुँचा दिया गाइस मैंने हाशीरामा को, मैंने पेड़ के ऊपर पहुँचा दिया गाइस। लगता है हाशीरामा खुद ही डर के भाग गया एक बार सर्वाइवल में आ गया तो क्या हल करूँगा बच्चे, तेरे को भी नहीं पता। अरे नहीं नहीं हाशीरामा, मैं तो ऐसी टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ ये सब आपके ऊपर, आप टेंशन मत लो। अच्छा गाइस अब हम लोग आपको दिखाएंगे माइट गाय की एबिलिटीज। तो ये है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड गेट है ना। माइट गाय सर गुस्सा मत हो जाना, थोड़ा सा गलत मिसस्पेलिंग हो गया। और अब हम दिखाएंगे आपको फोर्थ गेट, और ये फिफ्थ गेट, सिक्स्थ गेट, सेवन्थ गेट, एंड अब आने वाला गाइस
8 गेट्स ओपन। लिटरली गाइज हम लोगों ने 8 गेट्स अब ओपन कर लिए। अब हम लोग जाते हैं हाशिरामा के पास और फिर उसको परेशान करते हैं। ये छोड़े, मैंने तेरी आवाज़ सुन ली थी, हैं ज़्यादा शाना बन रहा है, एक बार सर्वाइवल में आ, तेरा मुन्ना बना दूंगा अभी। अरे नहीं नहीं हाशिरामा सर, मैं तो आपके ऊपर ये 8 गेट्स की टेस्टिंग करने आई हूँ। क्या बोला, 8 गेट्स? अरे भाग जा मेरे पास से, ए हट 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 हट। अरे हाशिरामा हाशिरामा रुकिए ना, एक बार आपके ऊपर टेस्टिंग करनी है यार, कहाँ भाग रहे हो यार आप। सो गाइज 8 गेट्स के लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि जितने मेरे को एक्सपेक्टेशंस था 8 गेट्स के लिए, उतना ही ज़्यादा कम मिला मेरे को। आई डोंट थिंक सो उसके अंदर कुछ खास था। मुझे लगा कि 8 गेट्स का भी कोई स्पेशल ताइजुत्सु होता होगा, है ना, और उसके अंदर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे देखने को नहीं मिला, इसलिए आई एम डिसअपॉइंटेड दिस फ्रॉम दिस हेड ऑन। बट इसके अंदर मोस्टली चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक थी, बट मेरे को बस एक चीज़ नहीं अच्छी लगी कि भाई इन्होंने 8 गेट्स की बेइज्जती कर दी। लिटरली गाइज 8 गेट्स नारुतो वाले गाइज इनको बहुत मारेंगे यार, इनके ऊपर शैडो क्लोन जूत्सु लगाएंगे गाइज, 1000 ईयर्स ऑफ डेथ मारेंगे यार, कैसे लोग हैं यार। खैर वो सब छोड़ो फिलहाल के लिए, अभी एक और चीज़ रहती है, हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या चीज़ रहती है, गैस करो। नहीं गैस कराना, नहीं गैस कराना, मैं बताऊँ, अब रहता है फाइट टाइम। पिछली वीडियो में भी हमने फाइट टाइम किया था, इस बार भी रहता है, तो सोचो हम लोग क्या करवाने वाले हैं। इसमें कोई विलन तो है नहीं जिससे लोग लड़ने भागते रहे, है ना, तो हम लोग कराने वाले हैं माइट गाय वर्सेस वार्डन। ब्यूटीफुल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आने वाली आ रही है कि वार्डन जीतने वाला है, बट व्हाटएवर, चलो चेक करते हैं, देखते हैं हमारा माइट गाय कितना पावरफुल है। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक।